इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा सावनेर द्वारा जीवन रक्षक ORS घोल व स्तनपान जन जागृति रैली तथा जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर इसका महत्व बताया गया। रैली का शुभारंभ IME हॉल से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विलास मानकर, वरिष्ठ चिकित्सक तथा पूर्व अध्यक्ष विजय थोटे, डॉक्टर विजय खटे, डॉक्टर रविन्द्र नाकाड़े, डॉक्टर विनोद बोकड़े, डॉक्टर नीलेश कुंभारी, डॉक्टर आशीष चांटक, डॉक्टर अमित बाहेती, डॉक्टर प्रवीण चौहान, डॉक्टर शिवम पुंडानी आदि ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस जन जागृति रैली में आकार रंगभूमि एंड कल्चरल एकेडमी, सुवर्णा नर्सिंग कॉलेज, NITM नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी छात्रा तथा शहर के सभी चिकित्सकों ने भाग लेकर इसे सफल बनाने हेतु प्रयास किए। सर्वप्रथम बस स्थानक परिसर में स्थित आस्था लैबोरेटरी के प्रांगण में आदिम रंगभूमि व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के कलाकारों ने नुक्कड़ चौराह पर खुले में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ तथा पानीपुरी आदि से होने वाले विकार तथा उत्पन्न होने वाली जानलेवा बीमारियों पर जीवन रक्षक घोल ORS किस प्रकार उपयोगी है। नवजात शिशुओं के लिए माता का दूध अमृत तुल्य होता है, इसलिए माताओं ने बच्चों को कम से कम 6 माह स्तनपान जरूर कराए तथा खाने से पहले हाथों को साबुन से स्वच्छ धोए ताकि हम स्वस्थ रहे। इस विषय पर जन जागृति हेतु नुक्कड़ नृत्य द्वारा प्रस्तुति देकर वाहवाही लूटी। वहीं उपस्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जीवन रक्षक घोल ORS घोल की पैकेट वितरित कर इसका महत्व बताया। इस आयोजन की सफलता डॉक्टर संगीता जैन, डॉक्टर ज्योत्सना धोटे, डॉक्टर करुणा पोकड़े, डॉक्टर प्राची भगत, डॉक्टर रेणुका चांडक, डॉक्टर अंकिता बाहेती, डॉक्टर रिंकू मोंटे, डॉक्टर मिनल डोंगरे, डॉक्टर मुनाली पोटोडे, डॉक्टर रश्मि भगत, डॉक्टर स्वाति पुंडानी, डॉक्टर प्रीतम लिचत, डॉक्टर मयूर डोंगरे, डॉक्टर विशाल महन, डॉक्टर केतन खरपड़े आदि ने परिश्रम किया। आकार रंगभूमि व कल्चरल एकेडमी के आकाश पौनीकर, बाल कलाकार स्वराज राउत, सिद्धांत चिरसाकर, शिप्रा विंचुरकर, राजनंदिनी नाहते, प्रियंका रंगारी, प्रेम वानखेड़े, पीयूष खोटे, सचिन राउत, सुवर्णा नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य तथा सभी छात्राएं प्रमुख रूप से उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए सावनेर से महिला ने अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए? अभी का जो वातावरण है इसमें जो बदलती लाइफस्टाइल हो रही है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा उसमें आप व्यायाम रखें, थोड़े खाने की आदत में सुधार लाएं, अच्छा हेल्दी खाएं, उसमें फल हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। वर्किंग वुमेन रहती है वो अपना टाइम कर नहीं सकती मैनेज, इसलिए वो टाइम से खाना खाए, व्यायाम करे और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा हेल्दी करे, तो वो उसके बच्चों के लिए भी आगे अच्छा होगा। थैंक यू। प्रचलन बढ़ रहा है, ऐसे में आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाओं को जो स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जिसको बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर्स, आजकल मोस्ट ऑफ द समझ लो 50% से भी ज़्यादा लोग वर्किंग हैं, तो एक मेजर प्रॉब्लम लेडीज़ को ये होता है कि पौष्टिक आहार मिलना वर्किंग होते हुए और साथ में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना, दो चीज़ें बहुत ही निगलेक्ट होती है। तो इसके लिए एक ऑप्शन एक्सप्रेस मिल्क का होता है, जिसमें हम आप ब्रेस्ट मिल्क को 8 घंटे तक स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चे को वो पिला सकते हैं। तो पौष्टिक आहार सिर्फ माँ का दूध ही है, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। और बाहर के खान पान के लिए मेरा ये कहना है कि ये आप खुद में अपने आप में ये हैबिट डालिए कि जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी फूड, और वही आप जो आप हेल्दी करेंगे वही आपके बच्चे को आप आगे जाके दे सकेंगे। ORS घोल के संदर्भ में ये जो जन जागृति की रैली निकाली है, इसके बारे में आप क्या? ये जो जन जागृति रैली है ORS रैली से कहते हैं, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये अपन मराठी में हिंदी में इसको जल संजीवनी कहते हैं। ऐसा है कि जब बच्चों को उल्टी और संडास की बीमारी होती है उसके वजह से उनके शरीर में का पानी कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी बाहर का खाने पीने से दूषित चीज़ें खाने से उल्टी होती है, उसमें भी संडास होती है, बड़ों को भी हो सकता है, उनके भी शरीर में का पानी कम हो जाता है। यदि धूप में गए और पानी का यदि शरीर में अभाव हुआ तो चक्कर आता है, बेहोश होते हैं, उसने भी अपन ORS का घोल ले सकते हैं। अरे जो भी चीज़ में शरीर को कमजोरी आती है जिसमें शरीर में का पानी और इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं, उसमें ORS यानी जल संजीवनी जादुई जैसा काम करती है और जान बचाती है। जान बचाती है, लेकिन पहले भी हमने देखा है कि समझो अगर कहीं जल संजीवनी नहीं मिल रही है, ORS का पैकेट नहीं मिल रहा है, तो क्या नमक शक्कर और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात पूछा आपने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नमक शक्कर और पानी ये सब घरों में उपलब्ध रहता है। तो एक लोटा भर पानी लीजिए, 2 चिमटी भर नमक लीजिए और अपना जो यह हाथ है इतना आप शक्कर उसमें डाल के घोलिए
और जितनी प्यार से उतना पिलानों को भूलिएगा। ये जल संजीवनी जैसा ही काम करता है, इसमें दोनों इसमें कोई फर्क नहीं है। इतना है कि जितनी प्यार से उतना पिलाइए, तो ये जो चीज़ है ये सस्ती है और ये चीज़ फ्री ऑफ चार्ज भी मिलती है हर सरकारी दवाखाने में। जो मतलब प्राइवेट वाले भी लोग कि फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, तो जो चीज़ जो जान बचाती है, ये जो सब चीज़ें मैंने बताया, इनसे कभी भी जान जा सकते हैं। और बहुत सारी जो डायरिया में ठंडा की बीमारी में जो जान जाती है, वो बीमारी की वजह से नहीं जाती है, वो शरीर में जो पानी कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट कम होता है, उसके वजह से जान जाती है। कोई भी उल्टी संडास के जो आजार होते हैं, वो एक दो दिन में तो ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं। आईएमए ने एक अच्छा उपक्रम चालू किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। छवि राठौड़ के साथ किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।